गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग चैप्टर फोर का सोच अपनी अपनी का क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे ना, प्रश्न उत्तर आपने लिखा था ना उस रोज। तो अभी थर्ड वन में है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र दिखाए गए हैं आपके बुक में और उनके आधार पे क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है, और चित्र बना हुआ है कि व्यापारी टोकरी में कुछ सामान ले जा रहे हैं, टोपियाँ ले जा रहे हैं। तो इसके लिए एक कहानी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ी सी समझाई थी। तो क्या है कि एक व्यापारी होता है, वो व्यापारी गांव से निकलता है शहर की ओर व्यापार के लिए कि कुछ पैसे रुपए कमाऊंगा, कुछ सामान को बेचूंगा और जो पैसे वैसे मिलेंगे तो मैं घर के लिए कुछ सामान लेके आऊंगा। तो वो टोपियों का बिजनेस करता है। व्यापार किस चीज़ का है उनका? टोपियों का। रंग बिरंगे टोपियाँ उनके पास है, उनके टोकरी में रंग बिरंगी बहुत सारी टोपियाँ हैं और बहुत सारे डिज़ाइन के। तो वो सारे टोपियों को इकट्ठा करके टोकरी में रख के और सर पे उठा करके वो शहर की ओर निकलता है। उसके बाद वो चलता है, ऑब्वियसली गांव से चल रहा है, पैसे ज़्यादा नहीं है, गरीब है, वो व्यापार के लिए ही जा रहा है दो पैसे कमाने। तो इसीलिए वो पैदल जा रहा होता है, रास्ते में उसे थकान होती है, वो थक जाता है व्यापारी चलते चलते, टोकरी को उठाए उठाए उसे प्यास लगती है, थकान होती है, तो वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहता है। तो एक पेड़ के नीचे वो सोचता है मन में कि क्यों ना इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लिया जाए, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, फिर पानी वानी पी के हम आगे को बढ़ेंगे। तो वो अपनी टोकरी ऐसा विचार करके वो पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रखता है और वहीं पे थोड़ी देर ऐसे आराम करने बैठ जाता है। तो उसे बैठे बैठे क्या होता है, नींद आ जाती है। आराम करने बैठते हो, थक जाते हो तो कभी थोड़ी झपकी टाइप की आ जाती है ना, तो वैसे ही उसे भी थोड़ी नींद आ जाती है। तो क्या होता है, पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर होते हैं और बंदर तो आप लोग जानते ही हो, नकलची होता है। और टोपियों का बिजनेस था उस व्यापारी का, तो वो खुद भी एक टोपी पहने हुआ था। तो जब बंदरों ने ऊपर से पेड़ से देखा कि अरे टोकरी में रंग बिरंगी चीज़ें दिख रही है, क्या है ये चीज़, और फिर उसने देखा कि अच्छा ये आदमी तो सर पे टोपी पहने हुए है, ये क्या पहने हुआ है। फिर वो जब व्यापारी सो गए तो सारे बंदर नीचे उतरे, नीचे पेड़ से उतर करके देखा कि ये तो टोपियाँ हैं, ये किस काम आएगा। तो देखा कि अरे इस व्यक्ति ने तो सर पे पहना हुआ है, तो सभी बंदरों ने सब एक एक टोपियाँ अपने अपने सर पे पहन ली और पेड़ के ऊपर चल गया। जब व्यापारी की नींद खुली कुछ देर के बाद तो वो देखता है अरे टोकरियों में से तो सारी टोपियाँ गायब हैं, कहाँ गई हमारी टोपियाँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहाँ बिजनेस करूँगा, कहाँ मैं व्यापार के लिए जाऊँ, क्या बेचूँगा, क्या खाऊँगा, उसे चिंता होने लगी। तभी तो उसकी नज़र अचानक पेड़ पे पड़ती है। पेड़ पे उसने देखा कि बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, उछल कूद कर रहे हैं। बंदरों का तो नेचर ही होता है उछल कूद करना, सभी उछल कूद कर रहे हैं और नीनी की टोपियाँ पहने हुए हैं, सभी सारे के सारे बंदर टोपी पहन के पेड़ पे हैं, इधर से उधर एक डाल से एक डाल घूम रहे हैं। तब ये व्यापारी सोचता है कि अब क्या करूं, अब तो सारे बंदर जो है टोपी पहन लिए, टोपी पहन के पेड़ पे हैं, अब कैसे इनसे लूं। तो वो सोच में डूब जाता है। सोच में डूबने के बाद वो विचार करता रहता है कि क्या तरकीब निकालूं। अचानक उसे एक तरकीब सूझती है, एक आइडिया उनके मन में आता है, एक तरकीब एक उपाय सूझता है उनको। वो तुरंत झट से जान जाते हैं कि बंदर तो ठहरा नकलची, वो तो नकल करने वाला जानवर है, तो मैंने टोपी पहनी है तो इसने भी टोपी पहन ली है सारे के सारे बंदरों ने, तो क्यों ना मैं टोपी को उतार कर फेंकूं। वो अपने समझदारी उसमें चलाते हैं, उन्हें जो उपाय सूझता है तो उसमें वो व्यापारी अपनी समझदारी से सूझबूझ से अपनी टोपी को निकाल कर फेंकते हैं। तो बंदर जो पेड़ पे बैठा था
वो ऊपर से देखता है कि व्यापारी ने तो टोपी को निकाल के फेंक दिया। जो टोपी इन्होंने सर पे पहन रखी है उसको तो उन्होंने फेंक दिया। तो सारे बंदर अपने स्वभाववश, नकल वाले स्वभाववश, सारे के सारे अपनी टोपियां पेड़ से जो बैठे थे वो नीचे फेंकने लगे सर से उतार करके। तो नीचे जो है टोपियों की बौछार हो गई, रंग बिरंगी टोपियां फैल गई और व्यापारी खुश हुआ और उसने जल्दी जल्दी अपनी टोपियां बटोर ली और बटोर के टोकरी में रख के फिर वो व्यापार के लिए निकल पड़ा। कहानी यही है। फिर सभी टोपियों को बटोर कर वो व्यापार के लिए निकल पड़ा। फिर ऑब्वियसली जो है जरूर ये स्वाभाविक है ना कि जब गया आगे निकला होगा तो जरूर किसी ने उनकी टोपियां खरीदी होगी और उन्हें जो पैसे मिले होंगे उनसे वो घर के लिए कुछ सामान लाए होंगे, बच्चों के लिए खाने पीने की वस्तुएं लाए होंगे। तो इस तरह से ये कहानी क्या सिखाता है, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात कि ये जो स्टोरी कहानी आपने सुनी तो इसमें जो हमने चित्र देख करके आपको बताई तो शीर्षक क्या निकला इसका, नकलची बंदर। बंदरों का स्वभाव नकल करना होता है। तो ये नकलची स्वभाव की वजह से उसने टोपी भी पहनी थी और टोपी को उतार करके फेंक भी दी। ऐसे मांगने से तो भला बंदर कहीं टोपी देने वाले थे नहीं देने वाले थे, पर उन्होंने नकल वाले स्वभाव बस अपनी टोपियां उतार कर फेंक दी और व्यापारी को अपना सारा व्यापार का सामान मिल गया, वो टोपियां मिल गई। समझ गए? तो और इससे शिक्षा एक क्या मिली आपको, शिक्षा यही मिली कि अपने सामान की रक्षा खुद करनी चाहिए। सामान को रख के बोरा बेच के सो नहीं जाना चाहिए। ये व्यापारी सो गया इसीलिए बंदर ले गए ना उनकी टोपियां। अगर वो नहीं सोता जागता रहता उस बीच कोई बंदर आते तो वो उनको भगा सकता था या खुद भाग सकता था टोपियों का टोकरी लेकर के। इसीलिए जागे सो पावे सोए सो खोए। अगर जागता रहता तो वो उनकी वस्तु नहीं होती और वो जब सो गया तो सारी की सारी वस्तु गायब हो गई है ना। तो यहाँ चित्र देख करके आप लोगों को लिखना है। पहला है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है। ऊपर ले जा रहा है व्यापारी व्यापारी रंग बिरंगी टोपियों से भरी टोकरी व्यापारी रंग बिरंगी टोपियों से भरी टोकरी ले जा रहा है। और टोपियों रंग बिरंगी टोपियों से भरी टोकरी कहाँ ले जा रहा है, तो व्यापार करने ले जा रहा है। व्यापारी रंग बिरंगी टोकरियाँ रंग बिरंगी टोपियाँ
जो टोकरियों में पड़ी है वो लेके कहाँ जा रहा है? शहर की ओर व्यापार करने जा रहा है। बहुत सारे बंदर हैं, बट ये झुंड वर्ड
बंदरों ने सभी टोपियां चुरा ली। यहाँ पे चुराना वर्ड इसलिए है क्योंकि व्यापारी सो रहा था। अगर हम किसी से छुप करके कोई चीज ले लेते हैं तो उसे चुराना बोलते हैं। अगर आप बता भी लेते हो या मांग के लेते हो तो चुराना नहीं हुआ, बट अगर आपको उनकी जानकारी के बगैर ले लेते हो, उठा लेते हो किसी की कोई चीज, तो उसको चुराना बोलते हैं। ठीक है, तो बंदरों ने उस समय व्यापारी सो रहा था तो बंदरों ने सभी टोपियां चुरा ली। और क्या किया, और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि और चुरा कर पहन ली। बंदरों ने सभी जो टोपियां चुरा कर पहन ली। सभी टोपियां चुरा कर पहन ली। व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने तरकीब लगाई और अपनी बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी, व्यापारी
और था आता
शब्दों के आप लोगों को आने चाहिए, इससे वर्ड पावर बढ़ता है ना, शब्द का भंडार हो जाएगा। वोकैबुलरी कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस वाक्य लिखने में आसानी होगी।